हेलो ऑल, वेलकम अगेन टू माय चैनल ज़िंदगी ज़रा मुस्कुराना। फ्रेंड्स, हर दिन फूलों को आपके साथ तो शेयर करती ही हूँ, आज चलिए एक बार फिर अपने किचन गार्डन का अपडेट दे देती हूँ। तो मैंने ग्रो किया है ये बॉटल गार्ड का प्लांट, और इसे मैंने एक थर्मोकॉल के डब्बे में ग्रो किया है, और ये इसकी जड़ें आप देख रहे हैं। और अब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो ये देखिए इसके लीव्स बिल्कुल ग्रीन, हेल्दी प्लांट, और बहुत अच्छे से क्लाइम करता हुआ ये ऊपर की ओर चढ़ चुका है। तो अब ये प्लांट आराम से ग्रो कर जाएगा। बॉटल गार्ड एक ऐसा प्लांट है जिसके रूट्स और फ्लावर्स को छोड़कर इसके लगभग हर हिस्से को शामिल किया जाता है तरह तरह के रेसिपीज़ में। तो ये देखिए, ये पिलर की मदद से चढ़ गया है, और चूँकि बादल घेरे हुए हैं पूरे आसमान में, तो लाइट्स की थोड़ी कमी है, इसलिए बहुत अच्छा आपको पिक्चर नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरापन आ जा रहा है बादल की वजह से। ये देखिए आसमान में कितने काले बादल हैं, पहाड़ भी बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा है। तो हल्की फुल्की बारिश रह रहकर हो रही है, और ये देखिए ये पहाड़ कितना दूर धुंधला नज़र आ रहा है। तो बॉटल गार्ड का ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है मेरे किचन गार्डन में, और इस प्लांट में अब फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये इनकी कलियां हैं बॉटल गार्ड की, और ये कलियां अब धीरे धीरे खिलेंगी कुछ ही दिनों में। तो लगभग हर नॉट पे एक एक कली ज़रूर है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट है, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है थर्मोकॉल के डब्बे में। और किचन गार्डन के ज़्यादातर चीज़ों को मैं थर्मोकॉल के डब्बे में ग्रो करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये है मेरा टमाटर का प्लांट, जिसे लगाने का वीडियो मैंने आपके साथ शुरू शेयर किया था बिल्कुल शुरू से, और ये देखिए अब उसमें फ्लावर्स आ गए हैं। मैंने इसे कैसे सीड से ग्रो किया था, किस तरीके से इसे अलग कर बड़े होने के लिए जगह दी थी, ये सारे मैंने अपने वीडियो में शेयर किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। और अब इसमें आ गई हैं कलियां और फ्लावर्स, तो अब है फ्रूटिंग की बारी। तो पास ही है एक गुलाब का प्लांट जिसमें बहुत अच्छा गुलाब खिल रहा है। तो और टमाटर का ये प्लांट अब ढेर सारे फ्लावर्स करने वाले हैं। ये देखिए इनमें फ्लावर्स और कलियाँ, ये इसके पीले पीले फूल छोटे छोटे से। तो टमाटर के मेरे सारे प्लांट्स में इस तरह से फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। अब आती हूँ हल्दी के प्लांट के पास। तो ये देखिए, ये है मेरा टर्मरिक का प्लांट, जिसको मैंने कैसे ग्रो किया था ये सारा वीडियो आपके साथ शेयर किया था कच्ची हल्दी को लगाने से लेकर। तो अब ये देखिए इसमें कितने अच्छे लीव्स आ गए हैं, और ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो चुका है, और अब ये आराम से इसमें ग्रो कर जाएगा। तो ये देखिए टर्मरिक के प्लांट कितने खूबसूरत ग्रीनरी को लिए हुए, और कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। और सबसे मज़े की बात ये है कि मैं इसे प्लास्टिक बैग में ग्रो कर रही हूँ, और ये देखिए ये कैरी बैग में कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी लगन चाहिए। ये देखिए इसकी जड़ें कितने अच्छे से ये ग्रो कर गए हैं, और बाकी जितने भी टर्मरिक थे वो सारे अब अच्छे से उसमें प्लांट आने शुरू हो गए हैं। तो सारे प्लांट्स किचन गार्डन के शेयर करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर अगले वीडियो में शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। बाय।